कनकपुर शारदा रेंज में तैनात वन बीट अधिकारी हरीशचंद्र जोशी की गोली लगने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जोशी का शव उनके सरकारी आवास कॉलोनियों से बरामद किया गया। हल्द्वानी के अंतर्गत आने वाले तराई पूर्व वन प्रभाग टनकपुर की शारदा रेंज में तैनात वन बीट अधिकारी हरीशचंद्र जोशी की गोली लगने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिससे वन विभाग में हड़कंप मच गया। जोशी का शव उनके सरकारी आवास कॉलोनिया से बरामद हुआ। मौत किन कारणों से हुई अभी तक इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है। नैनीताल जिले के चोर गलिया के रहने वाले हरीशचंद्र जोशी की अप्रैल में शादी होने वाली थी। घर वाले अधिकारी बेटी की शादी की शहनाई बजवाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन जैसे ही घर वालों को पता चला कि अब शहनाई की जगह अधिकारी की अर्थी उठानी पड़ेगी तो परिजनों के बीच कोहराम मच गया। मृतक के परिजन हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस से जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं पुलिस भी अपने स्तर पर इस घटना की पूरे मामले में तफ्तीश कर रही है। हमारे स्टाफ के पास गश्त के दौरान और अपने सुरक्षा के लिए आर्म्स एंड एम्यूनिशन होता है, लेकिन उन्होंने उनकी मृत्यु का कारण है उसका अभी कोई पता नहीं चल पाया कि कोई हथियार यूज किया, तो उसकी अभी घंटा से पुलिस जांच कर रही है, उसके बाद ही कारणों का पता चल पाया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।